हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंद की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी होती है। कंद की सब्ज़ी बिल्कुल अरबी की सब्ज़ी जैसी होती है, बिल्कुल अरबी का जो टेस्ट होता है वही टेस्ट कंद में भी होता है। इसे कहीं कहीं कंदा भी कहते हैं और बर्रे भी कहते हैं। ये देखने में बिल्कुल ऐसा होता है, देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो इसको अच्छे से धो ली हूँ, छील ली, काट कर रख ली हूँ। सारी सब्जियों को अच्छी से काट करके रख ली हूँ। उसके बाद एक चम्मच अदरक और एक चम्मच लहसुन, ये दोनों को ग्रेट कर रख ली हूँ। चलते हैं अब गैस की तरफ, गैस ऑन कर लें और एक कुकर चढ़ा देंगे। आज इसे कुकर में बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी और बहुत ही झटपट। तो एक बड़ा चम्मच तेल डाल दें, उसमें आधी चम्मच जीरा, एक तेज़पत्ता डाल देंगे, फिर इसमें प्याज डालेंगे। दो प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर रख ली थी, इसे डालकर 2 मिनट तक अच्छे से इसको भूनेंगे। प्याज को 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, हल्का कलर चेंज हो जाएगा तब तक प्याज को भूनना है। उसके बाद इसमें एक छोटा चम्मच अदरक और एक छोटा चम्मच लहसुन, जिसे ग्रेट कर रख ली थी, उन दोनों को डालकर 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हुए इसको भून लेंगे। फिर लहसुन से थोड़ी खुशबू आने लगे तब तक इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसाले में एक चम्मच धनिया पाउडर छोटा चम्मच से और एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और आधी चम्मच गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है, और आधी चम्मच नमक। नमक डालकर अच्छे से, उसके बाद टमाटर डाल देंगे जिसे ग्रेट कर लियो। नमक आप यहाँ स्वाद के अनुसार डालें। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसको 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे ताकि टमाटर से पानी छोड़ दे और मसाले जले नहीं, इसलिए मसाला और टमाटर को एक साथ डाली हूँ। तो दोनों को, सभी को एक साथ डाल करके उसके बाद अच्छे से मिक्स करते हुए इसको भून लेंगे। मसाला भूनने में 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। जब मसाले से तेल छोड़ने लगेगा तब तक इसको अच्छे से भून लेंगे और अच्छी खुशबू आने लगेगी। तब तक देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, तेल भी छोड़ दिया है। उसके बाद इसमें कंद डाल देंगे। कंद को डाल करके उसके बाद इसको मसाले के साथ 5 से 7 मिनट भूनना है, क्योंकि ये सब्ज़ी हमारी अभी भुनी नहीं है, इसलिए इसको मसाले के साथ ही भूनेंगे ताकि उसमें मसाला का फ्लेवर अच्छे से चला जाए और हमारी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। तो इस तरह से इसको डालकर 5 से 7 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे। आप चाहें तो इस सब्ज़ी को डीप फ्राई करके भी मसाले की ग्रेवी में डालकर बना सकते हैं, पर यहाँ पे मैं थोड़ा तेल का कम यूज की हूँ, इसलिए इस तरह से बनाएंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाती है। तो मसाले के साथ ही इसको 7 से 8 मिनट हो गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से आप भी मसाले के साथ इसको 7 से 8 मिनट अच्छे से भूनिए। उसके बाद इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है सब्जी। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। अब ये नीचे से सटने भी लगा है तो इसलिए ध्यान देकर इसको लगातार चलाते रहें। अब इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, ये बिल्कुल इसकी ग्रेवी पतली नहीं, इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बनती है, इसलिए इसमें 1.5 कप पानी डालकर फिर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अभी थोड़ा पानी कम था इसलिए थोड़ा सा और डाल दी हूँ। तो अब इसका ढक्कन बंद कर दें कुकर का और एक भीसी ले लेंगे
जब एक विसल आ जाएगा उसके बाद इसको 2 मिनट तक लो फ्लेम पर रहने देंगे। एक विसल आने के बाद 2 मिनट तक लो फ्लेम पर छोड़ दें, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। देखिए गैस बंद कर दी हूँ, अब इसका प्रेशर निकलने देंगे, उसके बाद इसको खोल कर देखेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दें। धनिया पत्ती डालकर बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लें, उसके बाद प्लेटिंग करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से आप अपने घर पर बनाएं, बहुत ही टेस्टी कंद की सब्ज़ी बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।